दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी डिग्री पार्ट वन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। अगर आप लोग ने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का जो है आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए आप जानेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है लिस्ट को। अगर आप लोग LNMU डिग्री पार्ट वन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल में एंटर करना है फास्ट जॉब सर्च, यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, इनको टच कीजिए। पेज इस प्रकार से ओपन होगा और आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। आने के बाद यहाँ पर देखिए कि एक एडमिशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनको टच करें, ये एडमिशन वाले में देख लीजिए कि व्यू मोर है, इनको व्यू मोर को टच कीजिए। टच करने के पश्चात इस प्रकार से पेज ओपन होगा। होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है LNMU ग्रेजुएशन BA BSc एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2019, इस लिंक को टच करें। टच करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब देखिए इनका जो था कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होने की तिथि वो था 5 जून 2019, यानी 5 जून 2019 को ही। और आपको जो है कि जब फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाता तो आपको लगता कि मैं हमारे मार्क के हिसाब से हमको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, आपके मन में कोई ऑब्जेक्शन था कि आपसे कम मार्क वाले को अच्छा कॉलेज मिल गया, हमको अधिक मार्क रहने के कारण भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो इसके लिए ऑब्जेक्शन करने के लिए जो तिथि थी 6 जून से ले करके 11 जून तक, उसके बाद ऑब्जेक्शन के पश्चात जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता वह 16 जून 2019 को जारी होने की तिथि है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है या नहीं किया गया है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए और फाइनली यहां पर देख सकते हैं कि डाउनलोड फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट अवेलेबल सून, यानी अभी तक जो है इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, यहां पर लिंक एक्टिवेट नहीं है। अगर जारी होता तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट रहता, इनको टच करते तो आप सिलेक्शन मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद आपको लगता कि कोई त्रुटि रह गई तो ऑब्जेक्शन के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई भी लिंक एक्टिवेट अभी नहीं है। अब हम जाकर के सर्च करते हैं, ये तो दूसरा वेबसाइट है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या ऐसा लिंक कोई एक्टिवेट है, इनको टच करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली इरोर लिखा रहा है 403 फॉरबिडन। तो इसका अर्थ है कि अभी जो है कि LNMU का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, ये खुल नहीं रहा है। आप लोग गूगल में डायरेक्ट सर्च करके भी देखिए, फाइनली अभी जो है लिस्ट जारी नहीं किया गया है। तो वीडियो में अभी बना रहा हूँ तो अभी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप 1 घंटे के बाद चेक करें, 1 दिन के बाद चेक करें तो मेरिट लिस्ट आपको अपलोड मिलेगा। तो आप लोगों को इसी प्रकार से आकर के जो है कि 4 घंटा या तो सुबह शाम आकर के देखते रहना है कि लिंक एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी अवेलेबल मिलेगी, वैसे भी LNMU.ac.in पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि इनकी सूचना, जैसे यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो, मेरिट लिस्ट जारी हो तो तुरंत हमको सूचना मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको वीडियो बना करके अपलोड करेंगे और आपको सूचना मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।